दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, YouTube एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। वीडियो शेयरिंग का मतलब दोस्तों, YouTube पर जितने भी वीडियो क्रिएटर हैं वो दोस्तों अपना वीडियो पोस्ट करते हैं YouTube के वेबसाइट पर, और अगर हमें कोई भी वीडियो देखना होता है तो हम YouTube के सर्च में जाते हैं और बहुत ही आसानी से वीडियो को हम सर्च करके उस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि YouTube पर जो भी वीडियो है हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में जो यूट्यूब का एप्लीकेशन है इसमें कुछ यूज़फुल सेटिंग है, उसे हम अप्लाई करके हमारे डेली लाइफ में जब हम यूट्यूब यूज़ करते हैं उसे हम और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और आप देख रहे हैं AK ऑनलाइन सपोर्ट YouTube चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर जब आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है, जिसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें मिल रहा है जनरल। अगर हम जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिमाइंड मी टू टेक ए ब्रेक, ये अभी ऑफ है। अगर हम इसे ऑन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टाइमिंग हमें सेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए हम कोई मूवी देख रहे हैं या फिर दोस्तों कोई भी हम एल्बम देख रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा कि अगर हमें 30 मिनट के बाद कोई ब्रेक चाहिए, अगर हम उसके बाद ब्रेक लेना चाहते हैं, अगर आप किसी को अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं, घर में कोई बच्चे हैं, उसको कोई भी वीडियोस आप दिए हैं एजुकेशनल से रिलेटेड हो या फिर कोई भी कार्टून से वीडियो रिलेटेड हो, अगर आप उसे देखने के लिए दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे 30 मिनट देखे और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाए, आपको पता होगा कि बच्चे को जब अपने मोबाइल फ़ोन को देते हैं यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने के लिए तो वो क्या करते हैं कि वीडियो देखते रहते हैं, बहुत सारे वीडियो वो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ब्रेक सेट करके रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 30 मिनट का ब्रेक ही उसको देना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप ब्रेक सेट करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 30 मिनट देखने के बाद बच्चे ब्रेक ले ले तो आप यहाँ पे 30 मिनट सेट कर लीजिए और उसके बाद बहुत ही आसानी से इस सेटिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि रिमाइंड मी टू टेक ए ब्रेक का ऑप्शन क्या है। साथ में दोस्तों, सेकेंड में आप देख सकते हैं डार्क थीम। दोस्तों, अगर हम नाइट में यूट्यूब चलाते हैं, अगर हम नाइट में वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आपको पता होगा हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इसका जो ब्राइटनेस है बहुत ही ज़्यादा होता है नॉर्मल मोड में। हम डार्क थीम को इनेबल करते हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मैंने जैसे इनेबल किया तो हमारा जो ब्राइटनेस है बिल्कुल घट जाता है और हमें यहाँ पर डार्क थीम देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है बहुत ही घट गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आप इसे ऑन करके आप यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हैं तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसमें आपका आँख जो है इसमें आपका डैमेज नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस जब हम देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि हम कितना समय तक देखे हैं, बहुत सारा लंबा समय तक हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डबल टैप टू सिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको पता होगा जब आप कोई भी वीडियो को देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि आगे थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो आप क्या करते हैं, डबल टैप करते हैं स्क्रीन पर राइट साइड में तो वो 10 सेकंड के लिए आगे हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, आप यहाँ पर इंक्रीज़ करके उसे सेव करके रख सकते हैं। आपको लगता है कि आपको सिंक करना चाहिए आगे तो आप उस पर क्लिक करके उसे सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इसका आप लाभ ले सकते हैं यूट्यूब के एप्लीकेशन पर, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेटिंग है। अब दोस्तों, हम लास्ट में बात करेंगे ऑटो प्ले। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो। जब आप एक वीडियो को देख रहे होते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा वीडियो आपका प्ले हो जाता है, अगर आप उसे नहीं चाहते हैं तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, नीचे देख सकते हैं ऑटो प्ले ऑन होम। दोस्तों, आपको पता होगा यूट्यूब के होम स्क्रीन पर कोई वीडियो को आप कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो प्ले हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो प्ले हो तो दोस्तों यहाँ पर आप LWI ऑन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों वाईफाई पर यूज़ करते हैं तो वाईफाई ओनली कर सकते हैं या फिर इसे आप ऑफ करके रख सकते हैं अगर आप उसे प्ले नहीं चाहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते समय इस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने YouTube को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।